नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वे साफ तौर से नोटिस पर हैं। कनाडा सरकार ने भारतीय राजनयिकों पर लगाए गंभीर आरोप, रूस से की भारत की तुलना। इस पर उन्होंने कहा, वे साफ तौर से नोटिस पर हैं। इनमें से 6 को निष्कासित किया गया है, जिनमें ओटावा में तैनात उच्चायुक्त भी शामिल है। दूसरे अधिकारी टोरंटो और वैंक्यूवर से हैं। बता दें कि 14 अक्टूबर को भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित किया था। इसके साथ ही भारत ने भारतीय राजनयिकों पर लगाए आरोपों को खारिज किया था। भारत ने अपने 6 राजनयिक वापस भी बुला लिए थे। भारत कनाडा के बीच बढ़ते राजनयिक तनाव के बीच वहाँ की विदेश मंत्री मेलानी जॉली ने शुक्रवार को कहा कि उनके देश में बाकी बचे भारतीय राजनयिक भी स्पष्ट रूप से नोटिस पर हैं। जॉली ने कहा कि उनकी सरकार ऐसे किसी भी राजनयिक को बर्दाश्त नहीं करेगी जो वियना संधि का उल्लंघन करेगा। जॉली से जब पूछा गया कि क्या दूसरे राजनयिकों पर भी कार्रवाई की जा सकती है रूस से की भारत की तुलना, जॉली ने भारत की तुलना रूस से करते हुए कहा, हमने अपने इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा है। कनाडा की जमीन पर उस तरह का अंतर्राष्ट्रीय दमन नहीं होने दिया जा सकता जैसा कि हम यूरोप में देख सकते हैं। रूस ने जर्मनी ब्रिटेन में ऐसा किया है और हमें इस मामले पर दृढ़ता दिखाने की जरूरत है। सारे विवाद की जड़ में भी आरोप है, जिनमें कनाडा ने कहा कि आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड की जांच में भारतीय हाई कमिश्नर और राजनयिकों को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में जोड़ा। भारत ने कनाडाई हाई कमीशन के मौजूदा प्रभारी स्टुअर्ट व्हीलर को तलब कर अपना कड़ा विरोध जताया था। डिप्लोमेसी का रोल होगा अहम ऐसे वक्त जब अमेरिका की ओर से गुरपंतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश को लेकर अभियोग पत्र में एक भारतीय की पहचान उजागर की गई है। ऐसे में जॉली का बयान भारत के लिए किसी तरह की राहत लेकर नहीं आया है। पिछले साल भी इसी तरह भारत को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार जिस तरह से फाइव आईज ने कनाडा के रुख को समझने को लेकर बयान दिए हैं, उससे जाहिर है कि भारत को डिप्लोमेसी के लेवल पर खासा एक्टिव होना होगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज, आपकी आवाज़।